तो दोस्तों तो आप देख सकते हो इसने लगभग एक बड़ा सा हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम छतारी के पास गांव त्योर बुजुर्ग में आए हुए हैं और लगभग समय हो रहा है 9:00 का समय हो रहा है दोस्तों, 9:30। तो यहां पर एक घर के अंदर सांप बैठा है और काफ़ी टाइम से बैठा है, जा नहीं रहा है। तो चलिए चल कर देखते हैं ऐसा क्यों बैठा है। और आइए कौन सा सांप है आपको दिखाते हैं। हाँ ना कुर्सी ना कोई और चीज है, ऊपर भी जगह दिख रही है कि साफ ऊपर से देख, ऊपर से दिख रहा है वैसे यहीं से सही आ जाओ, कोई दिक्कत ना। कल लेंगे कुर्सी खाट लेगा। हाँ कुछ नहीं कुर्सी लिया खाट लिया खाट लिया खाट भैया अब डर भी लग रहा है रात में इधर ले ले कोई दिक्कत चल कह रहा हूँ पलंग ना गिर जाए। तो दोस्तों आ चुके हैं उस जगह पर और सांप भी हमको दिख चुका है। तो इस सांप के बारे में आपको बता दें, ये सांप है ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक नाम से जाना जाता है दोस्तों किताबों में, और गांव में लोग इसको चाखी मास्टर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों कुछ लोग इसको जहरीला समझते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये बिना जहर वाला सांप होता है। हालांकि दिखने में बड़ा ही विचित्र रंग का होता है, ये काफ़ी सारे रंग होते हैं और ये बड़ा ख़तरनाक सा दिखता है और आवाज़ भी बहुत ख़तरनाक करता है। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक और जहरीला सांप है। तो चलिए इसको बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। लइयो रोशनी और कुछ कुर्सी दे दे कुर्सी दही और कुर्सी। हाँ आपके ऊपर चैटी घूम रही है नहीं आ रही है ऊपर तो ना होगी कहाँ सीढ़ी दे दो तो दिखाइए टॉर्च चलाओ भागो मुझे तो मुंगा मुंह है इसका तो दोस्तों ये अभी कुछ खाया हुआ है। और वैसे तो इसको इस टाइम आराम की ज़रूरत थी, लेकिन घर में इसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ था, इस वजह से हमें पकड़ना पड़ा है। अब पकड़ने के बाद क्या होगा कि ये अपने खाने को उलट देगा। होता ये है कि दोस्तों बड़ी मुश्किल से तो उनके लिए खाना मिल पाता है और हमारे पकड़ने की वजह से ये कभी कभी खाने को उलट देते हैं, तो इनकी भूख भी शांत नहीं हो पाती है और जिस जीव को खाया है उसकी जान भी चली जाती है। तो होता तो ये किसी रूप से गलत है, लेकिन घर में डर का माहौल होता है, लोग इसको भी मार दें उससे अच्छा है कि इसको पकड़ कर खाना तो ये और भी ढूंढ लेगा। तो इसको पकड़ कर कोई सही जगह पर आज़ाद करते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको आपको नज़दीक से दिखाते हैं और इसकी पहचान आपको करा देते हैं। तो आप देख सकते हो इसने लगभग एक बड़ा सा चूहा खाया हुआ है दोस्तों। तो कैमरामैन बैठ के सीन को हाथ को थाम कर अच्छे से ले लीजिए। तो दोस्तों इसके सर की आप पहचान कर लीजिए, इसका जो ये सर है ब्लैक कलर का होता है और गर्दन इसकी गुलाबी कलर की होती है और ये पीछे को पीला हल्का पीले कलर का होता है। तो इस तरह का ये सांप होता है और ये सीटी भी मारता है दोस्तों, काफ़ी देर फुंकार जो है ये भरता है और ये काटने में भी काफ़ी माहिर होता है। अगर इसको
जरा सा गुस्सा है, अगर किसी भी वजह से ये चिचड़ा हो रहा है दोस्तों, ये आपको तुरंत काट लेगा। लेकिन इसके काटने पर किसी भी प्रकार का जहर इंसान को नहीं चढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जहर नहीं होता। इसके काटने पर इंसान को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और अक्सर कर लोग ऐसे सांपों के काटने पर भी डॉक्टरों के पास या वैद्य हकीमों के पास भागे जाते हैं, और वहाँ ना जाने किस तरह की उल्टी सीधी दवाइयों को खाते हैं, और वो उनके लिए बाद में नुकसान करती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें जानना ये है कि सांप की पहचान कर लें अच्छे से, कि हमारे घरों के आसपास जो निकलने वाले कॉमन सांप होते हैं उनकी हम पहचान कर लें, और ये जान लें कि उनमें से कौन कौन से सांप जहरीले हैं और कौन कौन से बिना जहरीले हैं, ताकि आगे किसी को घर में, परिवार में, पड़ोस में किसी को अगर सांप काट ले तो उसको देखकर हम ये कह सकें कि भाई ये सांप बिना जहर वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जानकारी लोगों में अपने आस पड़ोस में होनी चाहिए, ताकि कभी कभी लोग नॉर्मल सांप के काटे जाने पर भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है, सोचते हैं कि मेरे ऊपर जहर चढ़ने लगा है, और दोस्तों वो अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं और उनको लगता भी है कि हाँ अब मुझे दिखना कम लग गया है, और वीकनेस के कारण, हार्ट बीप ज़्यादा बढ़ने के कारण उनकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। तो ऐसे हादसे ना हों उनको रोकने के लिए थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी रखना ज़रूरी है, और लोगों में थोड़ी सी जागरूकता भी आनी चाहिए, और इन बेजुबानों को भी बेवजह मारा ना जाए। इसलिए तो आप भी मुझे किसी भी वक्त, दिन हो या रात हो, कॉल करके बुला सकते हो, और इस चीज़ की कोई फीस नहीं है। तो चलिए इस सांप को डब्बे में पैक करके एक सुरक्षित जगह छोड़ते हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि ये खाना अपना उलट दे, क्योंकि इनको खाना बड़ी मुश्किल से नसीब होता है दोस्तों, और ये जब हो जाता है तो इनका खाना बिगड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए इसको किसी में पैक करते हैं और ले चलते हैं जंगल की ओर। तो दोस्तों कर लिया इसको डब्बे में पैक, और एक और बात कहना चाहूँगा कि अक्सर कर कभी कभी हमारा फ़ोन नहीं लग पाता है, और या फ़ोन भी लग जाता है, हमसे बात भी हो जाती है, तो लोग और हम समय से नहीं पहुँच पाते हैं, हो जाता है कभी कभी जब ज़्यादा बिजी होते हैं, तो लोग गुस्से में आकर के जीवों को मार देते हैं। तो गुस्सा ना हुआ कीजिए दोस्तों, और उनको मारा ना कीजिए। मेरी गलती की सज़ा इन बेजुबानों को ना दीजिए, और मैं भी जितनी कोशिश होती है मुझसे, मैं इतनी भाग दौड़ करता हूँ और जितना हो पाता है उतना पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी भी कारणवश आपके पास नहीं पहुँच पा रहा तो उस चीज़ की गुस्सा इन जीवों पर ना निकालें, और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें, कोऑपरेट किया करें, क्योंकि दोस्तों मैं अकेला पड़ जाता हूँ, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और पूरे क्षेत्र में जगह जगह से कॉल आती रहती हैं, तो वहाँ पर पहुँच पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आप इस चीज़ की गुस्सा इन जीवों पर ना निकाला करें। लोग कहते हैं जानबूझकर कि अरे नहीं आ रहे तो हम तो मार रहे हैं, तो दोस्तों इसमें मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन वो जो इन जीवों का जो पाप पुण्य है वो आपके सर मर जा रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा बचा कीजिए, गुस्से पर काबू पा लीजिए, और अगर सांप भी कहीं घुस भी जाता है तो मैं उसको ढूंढ कर कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता हूँ, तो ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकल आता है और जब बात हो जाती है हमसे, तो अगर हम कह देते हैं कि इसको थोड़ा सा बस देखते रहा करो, बाकी मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा, तो दोस्तों इसी तरह से थोड़ा कोऑपरेट किया करें और गुस्सा ना किया करें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। तो दोस्तों जैसे कि अभी ये सांप त्योर बुजुर्ग से पकड़ा था, तो इसको, इसने खाना खाया हुआ है, तो इसको जल्दी से जल्दी जंगल में आज़ाद करना हमने सही समझा है। तो इसको यहाँ पर ही काली नदी है यहाँ पर, तो इसको यहीं पर आज़ाद किए देते हैं, ताकि ये अपना कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ ले और अपने खाने को पचाने में सही रहे। Thank you.
चलिए दोस्तों इसको करते हैं बाय।